हमें पता है पेट्रोल टंकी के पास। किस पेट्रोल पंप से? दूसरा पेट्रोल पंप। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने हमें ले गया थाना। थाना नहीं ले गए, थाने के आगे से गली थी, एक कमरा था, वहाँ ले गया। फिर वहाँ बैठे थे, पूछताछ हुई, हमने सब बताया कि हमें रात के ले गए 3 बजे तक। हमें जंगल ले गए, हमारे यहाँ से पट्टी बांधी, पैर में बोरा बांधा, हाथ में भी बांधे थे लेकिन पैर में ही गोली मारी। फिर उसके बाद सूचना कर दी कि इधर से भाग रहा है, उधर से भाग रहा है, जो कि मैं नीचे गिरा हूँ जमीन में। सब पुलिस वाले ऐसे खड़े हैं। कितने बजे घटना है? वही 3:30 बजे। आदित्य क्या हुआ इसमें? किसने? ये अभी एक प्रकाश पुत्र कुंदन नाम का व्यक्ति था जिसकी हत्या की गई थी। इसके बारे में हमारी पुलिस लगी हुई थी, सुराग रसी और हुमनगंज पुलिस और सिविल लाइन्स, इन सब लोगों ने अथक प्रयास किया जिससे बात प्रकाश में आई कि सनी हेला नाम का आदमी जो शुगर पार्लर का काम करता था उसने 5 लाख रुपए मृतक को दे रखा था और प्रति माह वो 15,000 रुपए उसे ब्याज के तौर पर लिया करता था। लेकिन कभी कभी वो नहीं भी देता था जिसके चक्कर में उससे आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ करता था। और इसी बीच में ये बात प्रकाश में आई कि उसके कुछ रिलेशंस भी डेवलप हो गए थे उसके पारिवारिक पत्नी याद से, जिसके बारे में लोगों ने दबी जुबान बताया और इस बात को लेकर के झगड़ा भी होता था। संबंधित जो मृत्यु हुई है प्रकाश की, वो अवॉइड करने लगा था पैसा देने से, इसी उसके कारण कि पैसा नहीं मिलेगा तो उस पर नाराज़गी के कारण सनी ने एक ऋषभ कनौजिया नाम का आदमी था जिसको उसने 45,000 रुपया एडवांस दे दिया हत्या करने के लिए, 80,000 रुपया उसको देना था। ये बात भी प्रकाश में और उसके तलाश में ही सनी पकड़ा गया और उसने बताया कि यहाँ पे होगा और पुलिस तलाशती हुई गई तो दूसरा जंगल में वहाँ पे उसने फायरिंग करी पुलिस पर, बट एक बीच बचाव करके पुलिस ने उसको पकड़ा जिसमें उसको गोली भी लगी। पाई कोई पुलिस भी घायल इसमें मुठभेड़? हाँ, कुछ पुलिस को चोटें हल्की फुल्की आई हैं जो उन्होंने करा हुआ, बट उन्होंने काफ़ी टैक्टिक्स का जो किया, चूँकि लोग प्रशिक्षित हैं हमारे पुलिस के, उन्होंने उसका पूरा लाभ लिया है। और ये आदमी पैसे लेकर के क्लीन का काम करता था और वो चीज़ें सब प्रकाश में पैसा भी लोग।